I am packing all the memories of this beautiful home and taking it all along with me. Hello everyone! स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रियल होम मेकिंग चैनल में. कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे, खुश होंगे. एंड थैंक यू सो मच इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देने के लिए मेरी लास्ट वीडियो में. सच्ची में मुझे नहीं पता था कि you know, मेरी फैमिली की खुशी से आप लोग इतना ज़्यादा खुश होंगे, सब लोग इतना ज़्यादा हैप्पी फील करोगे और इतना ज़्यादा प्यारा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. कितने सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DMs किए, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे मैसेजेस किए और कमेंट सेक्शन तो आप खुद ही देख सकते हो इस वीडियो का. इतने प्यारे प्यारे विशेज आए ना कि मतलब पढ़ के लगा ही नहीं कि ये मेरी खुशी है. मुझे ऐसा लगा कि कितने सारे लोगों की खुशी है. सच्ची में बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को खुश देख के मेरी खुशी में. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरे हस्बैंड कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग कब मूव कर रहे हैं और मेरा घर वहाँ पे कैसा है, फर्निश्ड है या नहीं है, हम लोग किस पर्टिकुलर एरिया में मूव कर रहे हैं शिकागो में. तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे मैं आप सब लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूँगी और थोड़े से ग्लिम्पसेस भी दिखाऊँगी किस तरीके से मैं पैक कर रही हूँ. अभी बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा मैंने कल ही से स्टार्ट किया था तो थोड़ा ही हुआ है अभी. बट येस, आई एम पैकिंग ऑल द मेमोरीज ऑफ दिस ब्यूटिफुल होम एंड टेकिंग इट ऑल अलॉन्ग विद मी टू माई न्यू होम विद यू ऑल. एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए Q&A वीडियो लेके आऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, सो आई एम रियली सॉरी कि मैं इस मंथ वो वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि ये मंथ हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो कितना ज़्यादा हेक्टिक एंड बम्पी रहेगा. बट आई विल कीप माई प्रॉमिस ऑन, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट वीडियो इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ इन जून फॉर यू ऑल. एंड जिसके भी क्वेश्चंस आए थे उस वीडियो पे मैंने नोट डाउन करके रखे हैं एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट पोस्ट टू जहाँ पे आप अपने सारे क्वेश्चंस छोड़ेंगे एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो प्लीज़ आप उस वीडियो के लिए वेट करिएगा. एंड नाउ कमिंग बैक टू आर मूव टू शिकागो, काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं. वी आर मूविंग टू अ सबर्ब एरिया कॉल्ड एज व्हीलिंग इन इलिनॉय. मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी जॉब है माउंट प्रॉस्पेक्ट में एंड वी विल बी स्टेइंग इन व्हीलिंग. सो व्हीलिंग से माउंट प्रॉस्पेक्ट का जो ट्रांजिट टाइम है इट इज़ अराउंड 35 मिनट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वो रोज़ जो है ट्रैवल करेंगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि हमारा घर फर्निश्ड है वहाँ पर या अनफर्निश्ड है. सो हमारा वहाँ पर जो घर है वो अनफर्निश्ड हमने लिया है, यहाँ पे जो हमारा घर था वो फर्निश्ड है. सो ये डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, बेड वगैरह जो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो सब अपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड है. बट वहाँ पे बिल्कुल आपको एकदम खाली घर मिलेगा, कुछ भी नहीं है अभी वहाँ पर. बट इनिशियली तो सब खाली दिखेगा बट धीरे धीरे हम वहाँ पे अपना सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मेरे हस्बैंड कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं. सो ही इज़ ज्वाइनिंग द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कंपनी. एंड उसके बाद क्वेश्चन आया था कि हम लोग कब मूव कर रहे हैं. हम लोग मूव करेंगे ऑन 24th of May, हम लोग फ्लाई करेंगे बट हमारा सामान जो है वो पहले चला जाएगा. हम लोगों ने प्रोफेशनल मूवर्स एंड पैकर्स बुक किए हैं. दे आर नॉट पैकर्स, पैक हम खुद ही कर रहे हैं बट दे आर प्रोफेशनल मूवर्स, तो वो हमारा सामान खुद उठाएंगे, ट्रक में डालेंगे एंड देन दे विल मूव एंड वहाँ पे वो लोग अनलोड भी करेंगे. सो वो लोग हमारा सामान 10th of May को ले जाएंगे, दैट इज़ नेक्स्ट वीक फ्राइडे. सो आई हैव जस्ट couple of days left to pack all my stuff. और हमारा जो apartment है वो हमें 25th of May को मिलेगा. तो 24th को जब हम Illinois पहुँचेंगे we will be staying in hotel for one night and then on 25th we will be moving to our new apartment. So ये सब कुछ questions थे जो आए थे last video में. And फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत thank you बोलना चाहूँगी इतना प्यार बरसाने के लिए. तो चलिए, अभी अनिरुद्ध सो रहा है, अंशुल अपना काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा फटाफट से थोड़ी सी पैकिंग वगैरह कर लूँ तो काम पे लगते हैं. सो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, कल संडे है, कल से रमादान स्टार्ट हो रहा है. सो सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को हैप्पी रमादान विश करना चाहूँगी. मे दिस होली मंथ ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, पीस टू यू एंड योर फैमिली.
मैंने अपनी पैकिंग कल से ही स्टार्ट करी है, दैट इज़ फ्राइडे से स्टार्ट करी है। और कल मैंने अपनी किचन का थोड़ा सा सामान पैक किया था और आज मैं अपने घर के जो भी डेकोरेशन आइटम्स हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो सोचा है वो सब पैक करूँगी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि मैं थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस ही चाहे दिखाऊं, बट मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि मैं किस तरीके से अपनी पैकिंग कर रही हूं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट एक छोटा सा व्लॉग ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहेगा क्योंकि आप समझ ही सकते होंगे ये मेरा पहला घर है शादी के बाद। पहले ये बैचलर्स होम था, उसके बाद मैंने इसे कपल होम बनाया, उसके बाद फिर अब ये हमारा फैमिली होम बन गया। सो ये घर तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखेगा पूरी लाइफ। और पैकिंग करते वक्त कभी मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ, कभी एक्साइटेड भी हो रही हूँ। कल मैंने अपने बेडरूम में, आपने देखा होगा, हमारी एक पूरी वॉल पे एनिमल स्टिकर्स लगे हुए थे, वो सब हटाए हैं। वो मैंने तब लगाए थे जब अनिरुद्ध को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, उसके लिए मैंने पूरी जंगल थीम बनाई थी। सो उसको हटाते वक्त मुझे बहुत रोना आया, बहुत बुरा लगा कि जो मैंने डेकोरेशन की थी उसके लिए वो सब मैं हटा रही हूँ। बट चलो कोई नहीं, लाइफ का मतलब ही चेंज होता है, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, आई नो दैट, बट थोड़ा तो नॉस्टैल्जिक होना बनता ही है ना। अभी हम लोग निकल रहे हैं वॉलमार्ट जाने के लिए, हम लोग कार में आके बैठ गए हैं, अंशुल अभी आने वाले हैं, मुझे लेना है कुछ पैकिंग मटेरियल। जैसा कि आपने देखा मैंने अपने सारे फ्लावर वासेस को अच्छे से बबल रैप किया है और उसके बाद उन्हें कार्टन्स में पैक किया है, तो वही छोटे वाले कार्टन्स मुझे चाहिए, वो जितने मेरे पास थे मैंने यूज़ कर लिए। तो अभी मैं बाय करूंगी या देखूंगी, कभी कभी फ्री में भी मिल जाते हैं एसोसिएट, अगर उस टाइम पे अनपैक कर रहे हैं उनके पास कुछ कार्टन्स अवेलेबल होते हैं तो वो आपको फ्री में भी दे देते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि मुझे फ्री वाला मिल जाए। तो सारा मैं अपना जो कांच का सामान है इसी तरीके से पैक करूंगी। और यस, हम अनिरुद्ध के लिए एम्बुलेंस ज़रूर लेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करता, मम्मा को हेल्प करता है। सो वी विल डेफिनेटली बाय एन एम्बुलेंस फॉर यू, ओके हैप्पी? सो एम्बुलेंस लेंगे हम, दो ही हैज फाइव ऑफ देम, बट स्टिल वी विल बाय वन। और अगर आप लोगों के पास कुछ टिप्स है मेरे लिए पैकिंग के तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरीके से पैक कर रही हूँ। तो बस हमारी शॉपिंग हो चुकी है, मुझे कुछ दूध और फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, पानी भरना था, साथ ही साथ कुछ पैकिंग आइटम्स भी चाहिए थे, डब्बे वगैरह। तो फ्री वाला तो डब्बा मुझे नहीं मिल पाया, सो मैंने सोचा चलो बाय ही कर लेते हैं। थोड़ा मूविंग ब्लैंकेट्स वगैरह भी लिए हैं मैंने, तो वीकेंड पे ये दूध वगैरह का काम और ग्रोसरी आइटम भी बाय करने ही रहते हैं। और अगर आप इस तरीके से कोई बड़े वॉलमार्ट आ जाते हैं जहाँ पे ग्रोसरी आइटम भी मिल जाते हैं तो ये काइंड ऑफ वन स्टॉप शॉप हो जाता है, सारा काम यहीं पर निपट जाता है। और घर आने के बाद ये काम तो रहता ही है, हम लेडीज़ को सारा सामान जो है अभी मैं अनपैक करूँगी, सेट करूँगी अपने रेफ्रिजरेटर में। और आज काफ़ी टाइम हो गया, मेरा डिनर की भी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो बस अभी मैं क्विकली जाऊँगी अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए। वेरी गुड, ओह वाव, ओह वाव, ये बनाओ। कौन क्या कर रहा है? डॉट्स कनेक्ट। डॉट्स कनेक्ट, यस। ओवल। सेमीसर्कल। स्टार। लोम्बस। तो जब तक डैडी गोविंद के साथ खेल रहे हैं मैं क्विकली अपना डिनर प्रिपेयर कर लूँगी। और आज डिनर में मैं बहुत ही सिंपल वन पॉट रेसिपी, दैट इज़ तड़का दाल बना रही हूँ। कुकर में ही सब बनाऊँगी, अलग से तड़का नहीं बनाऊँगी दाल का, तो बहुत ही जल्दी मेरी दाल बन जाएगी। जैसा कि आप देख ही सकते हो दाल मैंने ऑलरेडी सोक करके रखी है और बस ये दाल तो फटाफट रेडी हो जाती है। और देखिए ये कुछ मसाले हैं मैंने कल ही पैक किए हैं, जो एक्सेस मसाले थे वो मैंने पैक कर दिए हैं भेजने के लिए। और ये बचे हुए दिन के जो मसाले जो मैं यहाँ यूज़ करूँगी, इस तरीके से मैंने इन्हें जिप लॉक बैग में डाल के रख लिया है और सबको मेंशन कर लिया है जिससे कि मैं मिक्स ना कर दूँ मसालों को। तो चलिए देखते हैं, दाल बहुत ही सिंपल होती है ये, बस थोड़ा सा घी में मैंने ये हींग जीरा डाला है, उसके बाद हरी मिर्च और प्याज डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस एक दो मिनट के लिए ही सॉटे करूँगी प्याज को। और साथ ही साथ इसमें मैं एक टमाटर भी डाल दूँगी
और बस थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और किचन किंग मसाला भी डाल दूंगी। और 2-3 मिनट सॉटे करने के बाद, साथ ही साथ ये भीगी हुई दाल है मैंने अराउंड 1 आवर पहले भिगो दी थी, तो बस ये डाल दिया है और पानी डाल दिया है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी के लिए कुक कर लूँगी और ये दाल ऐसे भी बहुत ही अच्छी बन जाती है। और साथ ही साथ मैं जल्दी जल्दी अपने फुलके जो हैं बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज 8:30 हो गया है और सब भूखे हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बस आजकल मेरा इसी तरीके से दिन चल रहा है। सुबह के टाइम पे भी मैं ब्रेकफास्ट के बाद पैकिंग में लग जाती हूँ, उसके बाद बस थोड़ा सा टाइम लेती हूँ लंच बनाने के लिए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से दोपहर से पैकिंग, और फिर रात में कुछ सिंपल ही डिनर में बनता है। और देखिए आफ्टर डिनर भी हमारी पैकिंग चल रही है, तो आज मैंने सोचा कि अंशुल घर पे हैं, वीकेंड है, तो उनके जो स्टफ़ है, उनकी बुक्स वगैरह हैं, नोट्स हैं, वो सब मैं पैक करा लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनको क्या आगे नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वो अपने हिसाब से देख के अपने नोट्स वगैरह को पैक कर लेंगे। तो इस चीज़ के लिए मुझे उनका साथ चाहिए था, तो मैंने कहा चलो पहले बुक्स ही आज हम पैक करेंगे। और देखिए बुक्स वगैरह पैक हो गई हैं, 2 कार्टन्स में हमने रखा है थोड़ा थोड़ा बुक्स को रख के, और ऊपर से कुशनिंग की है, और मैं बॉक्सेस पे डिटेल में लिख रही हूँ कि मैंने क्या सामान रखा है, जिससे कि वहाँ पे मुझे पता रहे कि मुझे कौन सा बॉक्स कब खोलना है, उसका प्रायोरिटी मैं अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाऊँ। सो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में मेंशन कर रही हूँ बॉक्सेस पे। और बस पैकिंग करने के बाद इट्स ऑलरेडी 10:30 और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर हो गई, तो सोचा बस अब सोते हैं। तो मैंने अपने लूज़ क्लोथ्स पहन लिए हैं घर वाले, फेस वॉश कर लिया है, और अभी मैं अपने फेस पे एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा पानी कम पी रही थी इसीलिए थोड़े एक्ने हो गए फेस पे। और बस अपना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, लिप बाम लगाऊंगी, यही मेरा सिंपल सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन रहता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा कोई स्किन केयर नहीं करती, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र वगैरह जो मैं यूज़ करूँ वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो बस इसी तरीके से थोड़ा सा मैं अपनी स्किन का ध्यान रख लेती हूँ, बट आजकल तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ सो प्लीज़ इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप देते आए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन यू टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।